पहले तो हम पीएससी के बहुत ही शुक्रगुजार है कि एक अलग से एक वुमेन्स विंग इसकी इस्टेब्लिश हुई, सो इट्स अ माइलस्टोन इन आर एसोसिएशन। तो उसके लिए पहले हम वार साहब से माजिद साहब का बहुत ही शुक्र अदा करते हैं। और सेकेंडली, आज जैसे हम बैठे थे, सभी जो वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्कूल्स रन कर रहे हैं, वी वर हियर टुगेदर, और अपनी अपनी जो हमारी राय थी कि हम कैसे स्कूल्स चला रहे हैं इस पैंडमिक में भी, वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया। और आगे का भी जो हमारा रोड मैप है उसके बारे में भी हमने बात की कि हमें क्या करना चाहिए। फी की सिर्फ बात नहीं है, बात इस चीज़ की भी है कि क्या बच्चों को कुछ मिल रहा है इस पैंडमिक में, क्योंकि हमारे बच्चे तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जोन के इनहैबिटेंट्स हैं, तो उनको क्या मिल रहा है पिछले 3 साल से, हम उनके साथ भी क्या कर रहे हैं। वी स्पोक अबाउट इवन दैट। अब हमारा NOC का मसला है, हमारा RR का मसला है, अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है कि क्लास 9th को हमें क्या करना है। तो विच इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विल इट बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिस ईयर? यू नो, थिंग्स आर वेरी वेरी अनक्लियर एंड वी एब्सोल्युटली डोंट नो कि व्हाट्स गोना हैपन विद अस। सो वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू एक्चुअली कम आउट विद सर्टन क्लियर guidelines, because almost the June month is also over. Fine, so we need to know what the students have to do. The students are also in dilemma. They don't know if they will have to face their their annual examinations this year, say class 10 or class 12, class 11. So things need to be clear. So we request the board authorities, we request the director of school education, we request the chairman of the school education board, Jammu and Kashmir, to please at least give us certain guidelines so that accordingly we can prepare our students and prepare our staff for the examinations. That's one point, one part of it. और जो दूसरी बात आप कह रहे हो कि जो हमारे स्कूल्स हैं, द स्कूल्स आर कैटेगराइज्ड इन वेरियस डिफरेंट लेवल्स, यू नो, वी टॉक अबाउट द लो बजट स्कूल्स, वी टॉक अबाउट जो हमारे स्कूल्स हैं इंडिजीनियस, वेर इन वी डू नॉट रिसीव एनी फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स, यू नो, इट्स टोटली एन इंडिजीनियस स्कूल, वेर इन वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द fee which is given to us by the parents. So we request the parent community, especially those of them who are working in the government sector, because they are receiving their salaries, they are receiving the education allowance, to agar wo at least kuch pay karenge अपना फ़ी बच्चों का, तो उसके हिसाब से जो बाकी के बच्चे भी हमारे हैं उससे चल सकते हैं। सो दीज वेर सम ऑफ द थिंग्स वी डिस्कस्ड एंड वी होप दैट इंशाल्लाह इन द कमिंग फ्यू वीक्स, कमिंग मंथ्स, वी विल टेक द लीड एंड वी विल मीट मोर ऑफन, एंड इट सीम्स लाइक वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स विच विल बी ऑन द टेबल बिकॉज ऑफ द वुमेन विंग ऑफ द PSA. अभी तो बहुत सारे स्कूल्स ऑलरेडी शट आउट हो गए हैं, बहुत सारे स्कूल्स रेंटेड बिल्डिंग्स में थे जिनको मकान मालकों ने ऑलरेडी निकाल दिया, बहुत सारे अगर हम एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारा ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमें ये गुजारिश करनी है उन पेरेंट्स से जो फी देने के लायक है। हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत सफ़र हमने भी किया है, हमारे वो भाई बहन जो उस प्रोफेशन में है जिन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, तो उसके लिए हम रेडी है, उनको जो कंसेशन, उनको जो स्कॉलरशिप देनी है उसके लिए हम रेडी है, मगर जेन्युइनली जिन्होंने लिया तो एटलीस्ट वो आगे बढ़ के हमें दे दे, या गवर्नमेंट, जैसे मैं कह रही हूँ अभी गवर्नमेंट हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उनके दो बच्चों को वो स्पॉन्सर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अलाउंस, वेयर इन दे आर गेटिंग 2250 पर चाइल्ड पर मंथ, राइट, एंड दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो अगर उनने कुछ वो पैसा लिया हुआ है तो वाई दे आर नॉट फॉरवर्डिंग इट टू द स्कूल हु आर एक्चुअली who deserve this? और अगर हम बात करेंगे हमारा जो हमारे क्योंकि बजट स्कूल्स हैं आर एवरेज फी इज़ बिटवीन 1200 to 1300, इफ़ आई टॉक अबाउट माई इंस्टीट्यूशंस, मोस्ट ऑफ अस आर इवन बिलो 1000, 500, 600, 700. तो ये भी हमें देखना है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हम कितनों का घर हमारे स्कूल से चल रहा है, तो ये बात हमें देखनी है। और स्कूल वालों से भी ये गुजारिश है कि जो भी हमें फीस आ रहा है हमें ये देखना है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने स्टाफ को पे कर रहे हैं कि नहीं। आज के इसमें देखें कि आज बेचारे टीचर्स को कितना रिचार्ज पैक करवाना पड़ता है क्योंकि सब ऑनलाइन है, बहुत सारे बेचारों का फ़ोन ही हैंग हो गया, फ़ोन टूट गए, नए नए गैजेट्स लाने पड़े उनको, तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। यस, हर
आपके सेक्टर को कंपनसेट किया गया है, चाहे हम पेंडेमिक की बात है, आर्टिकल की बात है, आपके सेक्टर को कंपनसेट किया गया? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. हम तो यही गुजारिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ ये ऑर्डर पास करे कि स्कूल्स को फी कलेक्ट करने दीजिए, हमारे लिए तो वही काफ़ी है. हम तो कॉम्पनसेशन की फिर बात भी नहीं करेंगे, बाकी फंड्स की बात ही नहीं करेंगे, बस सिर्फ ये ऑर्डर पास करें कि हमें अपना जो फी है वो हम कलेक्ट करने चाहिए बस. आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पे प्राइवेट एसोसिएशन के ऑफिस में, स्कूल एसोसिएशन के ऑफिस में बहुत सारे टीचर्स आए हुए हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारे बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाते हैं जहां पे माँ बाप भी नहीं पहुंचा सकते. तो आई एम रियली प्राउड एंड ऑनर्ड इस फंक्शन में आके मुझे डिफरेंट स्कूल्स के हेड्स से मौका मिला मिलने का, और अच्छा लगा कि एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने जो है उनको मॉरल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन और जो फैमिली में रोजमर्रा की परेशानी से दूर करने के लिए बच्चों के लिए अच्छे स्टेप्स लिए. आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर बाग जिन्होंने आज के दिन ये ऐसा प्रोग्राम बनाया यहाँ पे जिसमें कि अच्छे इकदाम लिए गए, कुछ बाहर से भी लोग आए हुए थे. सो इट्स गुड, वी शुड जस्ट डू दीज थिंग्स क्योंकि ये हमारे नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि स्कूल बंद है, हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. तो पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स थे, आई थिंक वो फॉलो करेंगे उस चीज़ को लेकर, और टीचर्स उनको फॉलो जरूर कराएंगे उस चीज़ को लेकर. सो वी शुड सपोर्ट आवर टीचर्स, हमने इनसे हाथ मिलाना चाहिए और इन जो भी हमें डायरेक्शन दे देंगे उनके बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए वी शुड जस्ट थिंक ओवर दैट, और हमें सीरियसली वो चीज़ लेनी चाहिए. अदर देन वो जो बाकी चीज़ें हैं वो तो चलता रहता है, लेकिन जहाँ पे बच्चे की बात है वहाँ पे हर एक पेरेंट को बहुत सीरियस रहना चाहिए. And they should be in touch, चाहे बच्चे स्कूल नहीं भी जाएँ, बट टीचर पेरेंट्स को जाके एक बार टीचर कंसर्न टीचर से बात करनी चाहिए अपने बच्चे के लिए. मेरा तो यही आज का थीम तो मेरे लिए यही. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कंचन नेगी, इंटरनेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट. मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, और जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आपका बिजनेस सॉल्यूशंस, उसमें जो कि काफ़ी सारे वर्टिकल्स में काम करती हैं, वी वर्क क्लोजली विद दी गवर्नमेंट्स एज वेल. तो हमारा एक मोटिव था कि जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे एम्पावर कर सकते हैं. उसी के सिलसिले में हमारा मुलाकात हुआ है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से, एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट देयर आर सच विजनरी पीपल हियर जो कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बेहतरीन से काम कर रहे हैं. सो आई एम ब्लेस्ड कि हमारा MOU उनके साथ हुआ है, जहाँ पे हम बच्चों को स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स एंड पेरेंट्स, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग हम लोग उनको मुहैया कराएंगे, जिसमें कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. सी, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द ईयर, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ बुकिश नॉलेज और बुक वर्म बढ़ने से 90% लाने से ही यू नो इट ओनली डजंट मैटर. आई थिंक आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, कैसे आप बोलें, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, योर बॉडी लैंग्वेज, योर काइनेसिक्स, योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हेजिटेशन अगर आपको चीज़ें आता है तो हाउ टू प्रेजेंट, सो प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स रियली नीड टू बी वर्कड अपॉन. सो आर फोकस इज कि हम छोटे से बच्चों को छोटे से ही उनको स्ट्रेंथन करें, एम्पावर करें, सो दैट विद द एडवेंट ऑफ टाइम when they cross their school level, they become the turn out to be confident individuals full of moral values and ethics. देखिए हमारा जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो ये चीज़ है कि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, एंड ये जो स्पेशली आजकल के बच्चे एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल फोन्स के, आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. सो कहते हैं कि घर का अगर हेड पावरफुल है, स्ट्रांग है, घर को कंट्रोल करता है, तो सारी चीज़ें लाइंड अप होंगी, बट इफ यू आर द हेड ऑफ द हाउस एंड इफ यू आर लीनियंट, सो थिंग्स कैन बिकम कैजुअल. सो हैविंग सेड दैट, आवर मेन फोकस इज कि जो आपके घर के हेड हैं, पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स हैं, वो क्लोज मॉनिटरिंग करें बच्चों की, कब उनका टाइम टेबल है, कब कौन सी क्लास है, एंड उसके बाद बच्चों को प्लीज़ ज़्यादा टाइम तक आप फोन मत दीजिए, एंड डू नॉट गिव देम पर्क्स
जनरली पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप 90% लाएंगे, आपको फ़ोन दिया जाएगा। आप जब बच्चे रो रहे हैं, आप पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं हमारा टाइम ज़ाया होगा, इनको मोबाइल पकड़ा दें। सो दिस इज़ हाउ द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग एडिक्टेड डेवलप्स। सो वी जस्ट नीड टू फोकस कि जब हम टेंडेंसी को ही ना बढ़ने दें, स्टार्टिंग स्टेज में इसको हम कर्टेल करें। वी शुड जस्ट ब्रिंग डाउन ऑन दिस एंड बी प्रॉपर, लाइक वी शुड वॉच अपॉन क्लोजली। आई थिंक थिंग्स विल बिकम बेटर। अगर हम देखें एजुकेशन सेक्टर में, आप प्राइमरी ले लीजिए, एलिमेंट्री ले लीजिए, सेकेंडरी ले लीजिए, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वीमेन्स का है। फीमेल टीचर्स ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। और बल्कि अगर ये कहा जाए कि एजुकेशन सेक्टर में सेकेंडरी लेवल तक 95% कंट्रीब्यूशन जो है वो लेडीज़ का है। ऑलरेडी यहाँ पर तकरीबन 68 स्कूल ऐसे हैं जिनके ओनर लेडीज़ हैं, जो लेडीज़ ने कायम किए और किन मुश्किलात में कायम किया है, अपने जेवरात बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के, अपना जो भी उनके पास असासा था वो बेच के उन्होंने वो स्कूल कायम किए। और इस वक्त हालत यह है कि तकरीबन उनमें से 7-8 स्कूल बंद होने के करीब पहुंच चुके हैं। अंदाज़ा कर लीजिए कि एक लेडी ने अगर आज से 40-50 साल पहले स्कूल कायम किया है और आज उसको सरकार मौजूदा कवानीन के हिसाब से NOCs मांग रही है, आज 50 साल के बाद कैसे पॉसिबल है कि वो उन कवानीन को पूरा कर सके। सरकार की पॉलिसी जो आज तक रही वो कहने की हद तक विमेन एम्पावरमेंट के ताल्लुक से बयानों के हद तक काफ़ी हैं, लेकिन अमलन देखा जाए विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर जिसमें विमेन बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। इसी वजह से जो हमारी लेडीज़ विंग है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो लेडीज़ विंग है, जिसके 68 एक्टिव मेंबर्स हैं, जिनके अपने स्कूल हैं, आज हम इन्हीं चीज़ों पर गौर खोज करने के लिए उनकी जो आज यह मीटिंग मुनक़द हुई उसमें ये चीज़ डिस्कस किया गया कि क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से इस सेक्टर को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ ये कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त कोविड की सिचुएशन के बाद हमें ये डर है कि जब कल स्कूल खुलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे स्कूल जाना चाहेंगे लेकिन वो स्कूल या तो बंद हो गए होंगे या बिक गए होंगे। इसी वजह से आज की निशस्त लेडीज़ जो विंग हमारी है इन्होंने की, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हो रहा है और बाकायदा इनकी, क्योंकि 2 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, आज उनकी नई बॉडी भी तश्कील हो रही है। Today we had a women's wing meeting from all the schools, all the heads were present here, and the main issue of ours was that of NOCs. Different departments, we have to get NOCs and they cost us so much of money. As everybody is aware of it, that schools are shut, fee is not coming, schools are not working. We are giving online classes, but still we are having financial crunches. And when we go to different departments for NOCs, as government has got R&B, fire, mechanical, SMC, sanitation, and what not, which was not before like this. And then when they come for inspections, they drag us for months to get the NOC, and then we have to pay the huge amount. I want to ask education department, as everybody is aware, you are aware about the situation, about the pandemic in Kashmir or anywhere, everywhere. Where we will get this huge amount and where are the offices working? Your offices are shut. When we go there and we have to wait for the employees, not that employee will welcome us. I went to R&B department, I had to wait there from 10 o'clock to 12 o'clock, then only employees entering the office. What are you, ma'am? Here I am for NOC. Come tomorrow. Why this? 50% of staff is there, 50% is not there. And out of that 50% also, there is nobody there. Because everybody is scared of pandemic. When government has given the deadline, this date. And luckily now they have extended it to 31st of July. And I want to ask the government authorities, education department, where we will get the NOCs for? Where will get the huge amount from? Please look into the matter, and as women's wing, we have gathered together and we will go for protest if you will not discard these NOCs and give the recognition at least for 3 years.
I am heading an institution. There are ladies who are all heading the institution, and most of the staff in schools is females. And when we get together, we are going for protest. We cannot get these NOCs because there is no staff available. There is no fees. There is no money with us. How can we get these NOCs? I hope this reaches to Education Department. This reaches to DUCOM. This reaches to advisors. This reaches to LG. My request to LG, Mr. Sinha, please look into the matter. We ladies from Kashmir, you know what is the situation in Kashmir. Where are the schools? Where is this from? The Article 370 schools are shut. Where is the money? We are running the schools, and believe me, people, staff, they are starving in schools without pay, without salary. First of all, if you are helpful to us, especially ladies, please issue some relief to the schools. Secondly, please discard these NOCs. Thank you so much. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वार साहब का कि एक अलग से एक सेपरेट विंग की शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ डेटा निकाल रही थी क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च एसोसिएट हूँ, और जब मैं वो डेटा निकाल रही थी उसमें यही मैं पढ़ पा रही थी और एनालिसिस कर पा रही थी कि 90,000 टीचर्स जो हमारा एक ग्रॉस इनकम या बोले या हमारा जो डोमेस्टिक इनकम जो कश्मीर के हवाले से जाता है दैट इज़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ, और जिसमें एक ख्वातीन का बहुत बड़ा रोल है, और ख्वातीन ही हैं जो टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं। और बहुत अच्छा लगा आज सबके साथ यहाँ बैठ के कि एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज़्यादा औरतें ही हैं, और इन ख्वातीनों में जो जोश है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में दे आर गोइंग टू होल्ड अ वेरी यू नो ब्राइट प्लीज़। बट अपार्ट फ्रॉम दिस द डिसहार्टनिंग थिंग इज़ दैट कि मैं पहले भी एक इस डायरेक्टरेट ऑफिस में ये इस हवाले से बता चुकी हूँ कि स्कूल तीन चीज़ों के ऊपर बुनियाद नहीं कि बल्कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। पहले एक बिल्डिंग, लैंड, एडमिशन, फाइनेंसेस, एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर पिछले दो तीन साल से ही सफ़र करता आ रहा है, ना कि सिर्फ पेंडेमिक में। जब हम स्कूल और लैंड की बात करते हैं तो कई ऐसे स्कूल्स के ओनर्स अभी जो बैठे हुए हैं जिन्होंने रेंट पे लिए हुए थे दे हैव वॉक्ड आउट, उनका कितना बड़ा लॉस हो चुका है। तो एक फाइनेंशियल लॉस वहाँ से हुआ, फिर उसके बाद 370 और फिर उसके बाद पेंडेमिक हुआ, तो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो स्कूल एसोसिएशन के ऊपर हुआ, क्योंकि सैलरीज तो देनी पड़ी चाहे वो कैसे कैसे करके सैलरीज लोगों ने दी, और क्योंकि एक मार्जिनल इनकम से ही हम लोगों के घर चलते हैं तो अगर वो नहीं होता तो वो शायद हो नहीं पाता। लेकिन एट लास्ट हमारे एडमिशन प्रोसेस पे कितना फ़र्क पड़ा उससे बड़ा, और अभी जो एक रीसेंट एक टाइम टेबल को लेकर एक इशू हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट डाली हुई है जिसका अभी तक हमारे पास कोई एज सच कुछ मिला नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल है। और अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें नथिंग इज़ लाइक दैट देयर, हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि आपको फ़ीस लेनी ही लेनी है, देनी देनी है। ऑलरेडी मैम बता चुकी हैं, मैम शमीमा, कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपको तो अलाउंसेस मिलते हैं, वो अलाउंसेस आप स्कूल्स तक तो पहुंचा दीजिए, एटलीस्ट कुछ तो चीज़ें गाड़ी तो आगे चलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे कि स्कूल्स जो हैं वो लूट रहे हैं, और ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि एक मेंटल प्रेशर में एक टीचर भी कितना काम कर रहा है, चार क्लास तीन क्लास प्रिपेयर करने के लिए जूम पे जा रहा है, उसको गैजेट्स लेने पड़ रहे हैं, उसको रिचार्ज करना पड़ रहा है, उसको नेट पैक लेना पड़ रहा है, उसकी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, मेंटली एक एग्नी में सब हर कोई है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो टीचर हो। बट एट लास्ट बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, NOC का दूसरे स्टेट से डिफ़र क्यों है, इसकी वैलिडिटी तीन साल तक क्यों नहीं है, RC है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ट्रांसपोर्ट फ़ी मैनेजमेंट कमेटी से अलग क्यों नहीं है। ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा इशू है, कई स्कूल बिक गए बिकॉज उन्होंने बसेस ली थी, लोन पे ली थी, उनको लोन अदा करना पड़ा, उनको फिर रद्दी वाले को वो बसेस बेचनी पड़ी ताकि वो उस लोन को अदा कर पाए। तो गवर्नमेंट ने तो कोई पैकेज एज सच उनके लिए दिया नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टेटमेंट्स भी तो ना दे। रूम माना जाता है जिसके पैर छुए जाते हैं, और
चाहे वो हम किसी भी धार्मिक किताब की बात करें, वहाँ पर एक टीचर का रुतबा जो है बहुत ही ऊंचाई पे है। लेकिन हम लोग अब शर्मिंदा भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने कह रहे हैं कि लोग, हम लोग रास्ते में चलते हो रहे हैं कि अरे टीचर्स तो कुछ नहीं है, इनको तो घर में, बट यू आर कंपेयरिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर काम नहीं करते, दे डू इट, बट उनका एक अपना वे है, उनका एक अपना तरीका है, उनकी एक फिक्स्ड इनकम है, उनके ऊपर कोई फर्क। लेकिन हालांकि ये बात करना भी बहुत गलत होगा, अभी ही रिसेंटली ये गवर्नमेंट टीचर के बच्चे ने खुदकुशी भी करी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉई को लेकर। लेकिन येस, कहीं ना कहीं पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है टीचर कम्युनिटी को एज अ होल फैमिली। अभी जो है टीचर जो है काफ़ी स्ट्रेस में है, क्योंकि जिनकी उनकी सैलरी नहीं है, ओनर्स के पास कोई रेवेन्यू नहीं है, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस ट्रामा से बाहर निकलने के लिए? यही सिचुएशन रही है, क्या कुछ लगता है आपको आने वाले समय में कितने स्कूल बंद हो जाएंगे? देखिए सर, टिल स्कूल्स के लिए कोई ऐसा पैकेज ना लेकर आएगी गवर्नमेंट, तो ये बहुत ही टफ सिचुएशन हो रही है। ऑल ओवर इंडिया ये चीज़ों के लिए डिबेट्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं कि गवर्नमेंट नीड टू कम अप विद स्पेशल पैकेजेस, जैसे बाहर हुआ है, बाहर की कंट्रीज़ में हुआ है। अगर वो पैकेजेस नहीं ला सकती है, तो एक रेनफॉर्मिस्ट के तरीके से ही हमको कुछ दे दे, एक मोटिवेशन के तरीके से ही हमको कुछ दे, कि एटलीस्ट एक एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी ना दें, जिससे हमें एक आंसरबिलिटी बन जाती है एक पब्लिक प्लेस पे आकर कि हम फीस क्यों दें। एटलीस्ट वो चीज़ भी ना करें। और रिहैबिलिटेशन तो करना ही करना है, लेकिन एटलीस्ट आप ये भी जानिए कि कई स्कूल्स बंद हो चुके हैं, बंद होने की कतार में नहीं है, वो ऑलरेडी बंद हो गए हैं। उनका एक लिस्ट देखें, उनकी मेंटल ट्रॉमा देखें, उनकी हम लोग तो यहाँ पर लाइक वी आर जस्ट सेविंग आवर लाइफ, दैट्स ओके, बट आप ये देखिए कि मेंटली हर टीचर, हर एंटरप्रेन्योर कितना मेंटली हैरस हो रहा है, कितना मेंटली बीमार हो चुका है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक फाइनेंशियल क्रंच में है। Absolutely, that is the main cause, that there is an inequality in the distribution of income. So that is the point. ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम अगर उस चीज़ के ऊपर जाएं कि टैक्स हम लोग पे करते आ रहे हैं और हमें आज अनफॉर्चुनेटली कुछ मिल नहीं रहा है, और उसके अलावा भी हमें एक मेंटल एग्नी में छोड़ा गया है। और एक मैं फिर से दोहराऊंगी, ये एक इकोनॉमिकल टर्म है, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग द नेशन।